ये वो सड़क है जो अरुणाचल के दूर दराज के इलाकों पर हमारी पकड़ को मजबूत करने वाली है। ये वो सड़क है जो चीन को बेचैन किए हुए है। ये वो इलाका है जहां साल में 7 महीने मूसलाधार बारिश होती है और भूस्खलन की वजह से एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल होता है। हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले की। एलएसी से सटे इस इलाके पर चीन नजरें गड़ाए बैठा है। दूर दराज और सामरिक महत्व से बेहद खास है अपर सुबनसिरी जिला। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप चीन की साजिशों को करारा जवाब देने के ब्लूप्रिंट को करीब से देखेंगे। पूर्वोत्तर भारत में चीन के सीमावर्ती इलाकों में युद्ध स्तर पर रास्ते बनाए जा रहे हैं। सड़कों का निर्माण किस तरह से हो रहा है और क्या है चुनौतियां? मैं इस समय हूं अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, जहां दापोरिजो से लेकर नाचो और उसके आगे सीमा तक के वो सारे रास्ते बनाए जा रहे हैं जितना जल्दी हो सके और जितना संभव हो सके। चीन हमेशा से ही दूर दराज वाले भारतीय इलाकों में जमीन कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। इन इलाकों में कनेक्टिविटी ना होने से चीन ने अब तक फायदा उठाया, लेकिन अब वक्त बदल गया है। सरकार ने चीन के सीमावर्ती इलाकों में रास्तों के जाल से पकड़ को मजबूत किया है। इलाके में सेना की पहुंच आसान हुई है। दरअसल इन पहाड़ों में कई चुनौतियां होती हैं। इन पहाड़ों में जो शिवालिक रेंज के माने जाते हैं, हिमालय की इस चोटियों में जो पत्थर होते हैं वो अपने आप में अलग होते हैं, यानी कि ये कहें पहले उनमें एक्सप्लोजिव्स विस्फोटक सामग्री डालकर उन्हें पहले काटा जाता है पत्थरों को, उसके बाद इन बुलडोजर्स को हटाकर रास्ते बनाए जाते हैं। कई गुना ज्यादा चुनौतियां होती हैं। पहला तो इस रास्ते में पहुंचना अपने आप में मुश्किल है। ये काम फिलहाल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत है और उसके साथ साथ कई इलाकों में CPWD कर रहा है। करीब 73 सड़कें बन रही हैं पूरे भारत में और खास तौर से चीन के सीमावर्ती इलाकों में। इस सड़क को भारत चीन बॉर्डर रोड कहा जाता है और ये अपर सुबनसिरी जिले से नाचो तक जाती है, यानी करीब करीब 300 किलोमीटर। सीमा सड़क संगठन के अफसर और मजदूर दिन रात इस सड़क को पूरा करने के लिए दम लगा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती पहाड़ों को नए सिरे से काटना है। ये पत्थर बेहद सख्त है। BRO इस काम के लिए दुनिया भर की बेहतरीन मशीनों का इस्तेमाल कर रही है। इतनी ऊंचाई पर एक तरफ पहाड़ काटना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मजदूरों को लगातार भूस्खलन का सामना करना पड़ता है। रास्ते के एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ पहाड़ी नदी जिसका बहाव सालों भर तेज रहता है। चुनौतियां यहां नहीं खत्म होती हैं। जहां एक और पहाड़ है तो वहीं दूसरी ओर गहरी नदी, ये है सुबनसिरी नदी, और ये अपने आप में आपको बताएगी कि कितनी चुनौतियां होती हैं सिर्फ एक कुछ फीट का रास्ता बनाने के लिए। दरअसल ध्यान में ये भी रखा जाता है कि किन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जरा सी गलती हुई और आप सीधा नदी में, और प्रवाह इतना तेज कि रोके ना रुके किसी आदमी का बह जाना। और इन सब के बीच में जब ये पत्थर काटे जाते हैं, जब ये पहाड़ काटे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखा जाता है कि भूस्खलन जो गीली मिट्टी की वजह से कई गुना ज्यादा हो जाता है। ऐसे में जब सड़कें बनाई जाती हैं तो मशीनों का मूवमेंट भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है।